नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Instagram पर दूसरों की रील को डाल के कैसे वायरल कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे बोल रहा है कि दूसरों के रील को अपने अकाउंट पर डाल के कैसे वायरल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ये ट्रिक किसी ने भी नहीं बताई है YouTube चैनल पे, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूं कि दूसरों के रील को अपने अकाउंट पे डाल के कैसे वायरल कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रिक पहले हमने अपने अकाउंट पे अप्लाई की, फिर अकाउंट पे अप्लाई करने के बाद हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया, फिर उस पे की, फिर ट्रिक ने काम किया, तभी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं कि हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी रील भी वायरल होगी, बस आपको वीडियो है ना लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो पहले प्रूफ दिखा देता हूं, प्रूफ दिखा देता हूं, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको रील दिखा देता हूं, ये रील देखो आप नीचे की तरफ 1.2 मिलियन, ठीक है, 1.2 मिलियन इस पे व्यू है। देखो ये दूसरों के रिमिक्स की कोई भी रील आप देख लो मेरे अकाउंट में जिसके अच्छे व्यू आ रहे हैं, देखो सभी रील वायरल है। देखो 45 के 1 मिलियन, और भी दिखा देता हूं मैं आपको नीचे की तरफ करके, देखो मैंने सभी रील है ना दूसरों की उठा के अपने अकाउंट पे डाली हुई, ये देख लो, इसमें भी आप देख सकते हो, और भी रील देख सकते हो, कोई भी रील देख लो आप मेरे अकाउंट की, कोई भी रील देख लो। लाइव प्रूफ मैं आपको अब करके दिखाऊंगा कि मैं क्या ट्रिक इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये तो थी अकाउंट पे जो मैंने पहले बहुत दिनों से मैं ये ट्रिक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैंने एक बार ये देखना चाह रहा था कि मतलब ये ट्रिक है ये न्यू अकाउंट पे भी अप्लाई होती है नहीं। फिर मैंने अपना न्यू अकाउंट बनाया, मैं आपको न्यू अकाउंट दिखा देता हूँ, न्यू अकाउंट बनाया उसके बाद मैंने इस अकाउंट पे अप्लाई की। देखो अब इन देखो कुछ दिन पहले बनाया हुआ है इस पे, देखो रील के व्यू देख सकते हो आप, किसी भी रील के देख लो आप व्यू कितने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस ना करना है। मैं ट्रस्ट क्या बोलते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी रील वायरल होगी ही होगी, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने रील जो सेशन है उस पर क्लिक कर देना है, और जिस भी प्रकार का आपका अकाउंट है उसी प्रकार के रील को आपने चूज करना है, ठीक है। और दोस्तों मेरा मोटिवेशनल है तो मैं मोटिवेशनल रील को ही चूज करूंगा, ठीक है। तो आपका जिस भी कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का आपने रील को चूज कर लेना है, ठीक है। तो इस ट्रिक को लगाने से पहले हमें एक ट्रेंडिंग सॉन्ग की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे पता कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। नीचे की तरफ आपको एक एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिन भी रील पे एरो का ऑप्शन दिखाई दे वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ठीक है। तो वो हमें पहले सेव कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी अपना ट्रेंडिंग सॉन्ग आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो मैंने ये जो सॉन्ग है मैं अपने वीडियो में अप्लाई करने वाला हूं। तो पहले तो आपको इसे सेव करना है। सेव करना कैसे है, नीचे की तरफ आपको देखो इस सॉन्ग का आइकन दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल पिक दिखाई दे रही होगी इस सॉन्ग की, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उस पर क्लिक करना है आपको, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पहले सेव किया हुआ है तो आप भी इसी प्रकार से आप सेव कर सकते हैं, ऐसे आपको दिखाई देगा, इसको टैप करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, ट्रेंडिंग सॉन्ग मिल गया हमें। अब आगे चलते हैं, आपको अब कौन सी रील वायरल करनी है, तो आपको करना क्या है, मान लीजिए मेरा जो अकाउंट है वो मोटिवेशनल है, तो मैं मोटिवेशनल रील का वो करूंगा, चूज करूंगा, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूं, कोई भी रील ले लेता हूं, कोई भी रील अपने अकाउंट पे डाल सकते हो आप और वायरल होगी होगी। देखो ये रील है, मैं ये अपने अकाउंट पे डालूंगा और आप 20 मिनट बाद आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसे जो ये रील को आपने अपलोड करना है ना, इस रील में देखना होगा कि इन्होंने टैग क्या लगाए हुए हैं, तो ठीक है, तो इन्होंने कोई टैग नहीं लगाए हुए, और रील देख लेते हैं हम।
जो हमारे अकाउंट पे अप्लाई करनी है हमें, ठीक है। हम ये ले लेते हैं खान सर वाली, ठीक है। इन्होंने देखते हैं हमें क्या टैग लगाए हुए, टैग चेक करने हमें पहले तो क्या क्या टैग लगाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कोई टैग नहीं लगाए हुए, आगे देखते हैं। इस रील पे देख लेते हैं, इस रील पे देखो, ये रील को हमें अप्लाई करना है अपने अकाउंट में जिसमें टैग लगाए हुए है ना, इस रील को। तो आपने नीचे की तरफ चेक करना है इन्होंने टैग क्या लगाए हुए है, उस टैग को आपने कॉपी कर लेना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको करना क्या है, इन टैग को या तो अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, या फिर मैं आपको, मैं एक फोटोशॉप का जो एक ऐप है वो यूज करता हूँ इन्हें कॉपी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ के वो हैशटैग है वो ले लिए है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, इस रील को थ्री डॉट पे नीचे आने के बाद आपको देखो यहाँ पे ये आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें इनको रिमिक्स करना है। रिमिक्स करने के बाद आपको आफ्टर ओरिजिनल वीडियो पर ही क्लिक करना है, ठीक है। आफ्टर ओरिजिनल वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको 3 सेकंड का वीडियो है वो इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे देखो 3 सेकंड का वीडियो अप्लाई करना है, तो इस पर टैप कर देना है, ठीक है। तो मैंने 3 सेकंड का वीडियो है ना इसमें अपलोड कर दिया है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई देगा, देखो ऊपर की तरफ म्यूजिक के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। म्यूजिक के ऑप्शन पर आपने क्लिक करके करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। देखो ये सेव का ऑप्शन था, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपने ट्रेंडिंग सॉन्ग सेव किया था वो इस वीडियो में अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक था वो मैंने सेव किया था, इस पर क्लिक कर देना है। और ऊपर की तरफ आपको डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से करना क्या है, फिर से आपको म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा सीखने वाला है, बट आपने ये सीख लिया तो आपका अकाउंट है वो बहुत ही फास्ट ग्रो होगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपकी वीडियो वायरल होगी ही होगी, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो उसके बाद आपको ऊपर की तरफ कंट्रोल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कैमरा ऑडियो है ना इसकी वॉल्यूम को कर देना है हाई, मतलब कि फुल कर देना है, और जो हमें बैकग्राउंड म्यूजिक लिया था ना वो हमें कर देना है 40 के समथिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डन के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और फिर बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद हमारा काम यहां तक हो चुका है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आता है हमारा टैग वाला सेशन। उसके बाद आपने देखो यहाँ पे एडिट कवर के ऑप्शन पर भी क्लिक करना है, ठीक है। एडिट ऑप्शन, यहाँ पर एडिट कवर के ऑप्शन पर क्लिक करके और जो इस वीडियो में जो भी फोटो दिखाई दे रही है आपको वो यहाँ पर, मतलब कि फेस कवर फोटो यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद जो हमने जो भी इंस्टा या क्या बोलते हैं इस रील के जो टैग लिए हैं अब हमें वो करने हैं अप्लाई। तो आप या तो किसी नोटबुक में आप ऐड कर लीजिए, या फिर मैं जैसे मैं करता हूँ वैसे कर दीजिए, ठीक है। अपने अकाउंट पे चले जाना है, सॉरी अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे चले जाना है। उसके बाद मैं टैग को कॉपी करने के लिए फोटोज का ऑप्शन, फोटोज ऐप है ना उनका, उनकी हेल्प लेता हूँ, ठीक है। उनकी उस पर क्लिक करना है, देखो ये है फोटोज ऐप, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था देखो ये रहा, इस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करना है उस फोटो पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। उसके बाद आपको नीचे की तरफ देखो लेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेंस के ऑप्शन
आपको फिर से जहां पर हम एडिट कर रहे थे रील को वहां पे चले जाना है और वहां पे वो टैग है वो पेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये पेस्ट हो गए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे की तरफ आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, शेयर के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी रील कंप्लीट। अब इनको अपलोड होना है और अब भी बोल रहा हूं मैं आपकी रील वायरल होगी ही होगी, ठीक है। आप इस रील को 20 या 25 मिनट के बाद आगे इस अकाउंट पे चेक कर लेना, ठीक है दोस्तों। विश्वास आपको करना होगा क्योंकि मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है और जो मैंने अपने अकाउंट पे जो ट्रिक अप्लाई की है वही मैंने आपको बताई है। आपको बस ये फॉलो करना है, आपका अकाउंट 100% आपकी रील और आपका अकाउंट दोनों ही ग्रो होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।